लेटल टी यानी जिसे बिच्छू का पत्ता कहा जाता है, उसकी चाय, लेमन वाटर, ग्रीन टी, अदरक और हल्दी का पानी, ये पास ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से आपको किचन में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन इसके रोज़ाना सेवन से आप अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। जो नेटल लीव्स होते हैं जिसे बिच्छू का पत्ता कहा जाता है, ये एंटी इन्फ्लामेशन का काम करता है। जिस तरह से कई लोगों को आर्थराइटिस यानी कि वात की समस्या है, उस कंडीशन में भी यदि आप इसका सेवन करते हैं या आपको पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड जाता है या क्रैम्प यदि आपको ज़्यादा होते हैं, उस बीच भी आप इस पत्तों की चाय बना सकते हैं या इसका साग बना के खा सकते हैं। तो नेटल टी जो है आपके शरीर से इन्फ्लामेशन कम करेगा। और दूसरा जो हम गलती करते हैं, लेमन वाटर है या जो हम अदरक का पानी पीते हैं, अदरक की चाय पीते हैं, हल्दी की चाय पीते हैं, तो इसमें हम क्या है कि इसमें जो है शहद मिला देते हैं। अब लेमन वाटर या जिंजर टी या अदरक की चाय पीते समय हम इसमें ऐड करते हैं, और कई लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि इसमें आपको हनी ऐड करना है, बट इसमें हनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हनी में आपको फ्रुक्टोज मिलता है। कई रिसर्च अवेलेबल है, फ्रक्टोज जिसमें होता है, जिस वेजिटेबल्स में है, फलों में है स्पेशली पाया जाता है फ्रक्टोज, ये फलों वाली जो शक्कर हम कहेंगे, जिसे ग्लूकोज से डिफरेंट है लेकिन ये शुगर फैमिली से बिलोंग होता है। तो फ्रक्टोज रिच फूड जो होते हैं, ये दरअसल इनके मेटाबॉलिज्म के वक्त, इनके चयापचय के वक्त जो है प्यूरिन्स बनने का काम होता है, जिसके जो आपका फ्रक्टोज मिलता है जो काफ़ी वेजिटेबल्स में होता है, सब्जियों में होता है, फलों में होता है। जैसे कि जो हम डेली बेसिस पे, कई लोग ऐसे थे जिनका डाइट बहुत हेल्दी था लेकिन वो मिडल एज ग्रुप में आते थे और डेली जो उनका फ्रूट या फ्रूट जूसेस का कंजप्शन उनका था, उनके बीच में भी जो है यूरिक एसिड की लेवल जो है नॉर्मल से थोड़ी बढ़ी हुई पाई गई। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो फ्रक्टोज होता है स्पेशली फलों में ये प्रेजेंट होता है, और जो जब हम जूस लेते हैं तो उसमें फाइबर कम और फ्रक्टोज यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे और आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दरअसल जो ग्लूकोज होता है इजीली डाइजेस्ट होने वाली शुगर है, लेकिन फ्रक्टोज की बात यदि हम करते हैं तो फ्रक्टोज इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर को थोड़ा प्रेशर देकर जो है इसे डाइजेस्ट करना होता है, और डाइजेशन के वक्त जो है प्यूरिन केमिकल रिलीज होता है और यही कारण बनता है यूरिक एसिड को बढ़ाने का। जब भी आपको यूरिक एसिड की समस्या होती है, या जो भी पॉपुलेशन है जो प्री डायबिटिक एज में है या जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनमें जैसे कि PCOD वाली फीमेल्स है, या जिनको भी लगता है कि उन्हें शुगर जैसी समस्या या सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनके केस में ये बहुत कॉमन होता है कि उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ता है तो शरीर में इन्फ्लामेशन की सिचुएशन और बढ़ सकती है, एंडोथेलियम डैमेज हो सकता है, या इन्फ्लामेशन और ज़्यादा बढ़कर जो है जब ये यूरिक एसिड हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो शरीर में इसके क्रिस्टल्स यानी कि इसके गठाने छोटी छोटी फॉर्म होती है यहाँ यहाँ पैरों के पास में, और उसके बाद में जो गोट की समस्या होती है बहुत पेनफुल होती है और शरीर में इन्फ्लामेशन डे बाई डे बढ़ता है और जो सिचुएशन होती है वो और ख़राब होने लगती है। इसीलिए सही समय रहते हमें यूरिक एसिड को यदि कम करना है तो डेली आप जो है नेटल टी यानी कि बिच्छू का पत्ता की जो चाय है या उसका साग बना के आप डेली कंजप्शन कर सकते हैं। 240 mg तक आप ले सकते हैं, 2-3 बार आप जो है पूरे दिन भर में 240 mg आप ले सकते हैं, 2-3 बार आप इसका सेवन करें। दूसरा है कि आप मेथी दाना भी ले सकते हैं, लेमन वाटर भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, जिंजर और टर्मरिक में जो एंटी इन्फ्लामेशन के जो गुण होते हैं ये काफ़ी हद तक आपको जो है यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे कि आप यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हैं। नंबर वन है हाइड्रेशन यानी कि पानी की उचित मात्रा। आप भले ही 3 लीटर पानी रोज़ाना पीते हैं लेकिन साथ में जो आप खाना खा रहे हैं उसमें भी आप फ्लूइड वाली चीज़ें जैसे पतली दाल आप ले सकते हैं, या आप छाछ आप रखिए, जिस तरह से खाने में जो पतली फ्लूइड वाली चीज़ें हैं वो भी आप अपने खाने में रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है फिज़िकल एक्टिविटी, जितना हो सके खुद को आप फिज़िकल एक्टिव रखिए, और डेली आप 30 मिनट्स बिग्स वॉकिंग या कुछ अलग तरह के जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डेली फिजिकल एक्टिविटी में ब्रिक्स वॉकिंग बहुत जो है इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो इसे आप अभी के तुरंत स्टॉप कर दें, क्योंकि अल्कोहल जो है और स्पेशली बियर आपका यूरिक एसिड का लेवल और बढ़ा देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन सी से रिलेटेड कुछ रिसर्च सामने आए हैं कि विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं जैसे ऑरेंज, जैसे कीवी है, इस तरह के फल जो होते हैं
हैं जिनमें वाइटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ये भी यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। इवन दैट आप वाइटामिन सी की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने क्या नहीं खाना है। ऐसे फल जिसमें कि फ्रुक्टोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, फ्रुक्टोज इस तरह की शुगर होती हैं जो फलों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं सेब यानी कि एप्पल्स, नाशपाती, फिग्स, वाटरमेलन, मैंगोज में थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ग्रेप्स यानी अंगूर और किशमिश। और जिस तरह से जो ड्राइड फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट फूड नहीं, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं जैसे किशमिश है या अंजीर है, इसमें जो है फ्रूट शुगर जो कि फ्रुक्टोज है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह के ड्राइड फ्रूट का भी सेवन हम कम से कम रखेंगे। स्पिनच का भी सेवन हम कम से कम रखेंगे। और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो प्यूरिन रिच वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें मॉडरेशन में लेना है। पालक, फूल गोभी, मशरूम या होल व्हीट ब्रेड, चिकन या मीट ब्रॉथ या सूप, बीन्स, पीज और ओट्स, इनमें जो प्यूरिन्स की मात्रा होती है 50 से 150 mg तक प्यूरिन्स इसमें पाया जाता है। दैट मीन्स कि कभी कभार आप ये खा सकते हैं। और जिसमें कि प्यूरिन्स काफ़ी होता है, जैसे कि 150 अबो जो है जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा हाई लेवल में होती है, जिसे आपको अवॉइड करना है खाना, जैसे कि जो ऑर्गन मीट्स होते हैं वो आपको नहीं लेना है, लिवर या ब्रेन, बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि आपकी आइसक्रीम है, केक है, पेस्ट्रीज होती है, और सब्जियों की जो थिक ग्रेवी जो काजू या इस तरह के कुछ स्पाइसेस डालकर थिक ग्रेवीज बनाई जाती है, इसमें भी प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। स्वीट ब्रेड होता है, इनमें भी प्यूरिन की जो मात्रा है 150 की अबो है। दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ें नहीं खाना है। अब जो मॉडरेशन में जिसमें कि 50 से 150 एमजे तक प्यूरिन्स है, वो आप कभी कभार या मॉडरेशन में आप वो चीज़ खा सकते हैं, ये चीज़। और दूसरा जो अभी मैंने लीवर, किडनी, ब्रेन्स वगैरह बताया है, ये चीज़ों, स्वीट ब्रेड, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स पाया जाता है। क्या होता है, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से ही हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये प्यूरिन कहाँ से आता है, जो आपने सुना होगा प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, तो ये बात भी सही है। जो स्पेशल काइंड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से प्यूरिन्स, इनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिक एसिड बनता है। न्यूक्लियो प्रोटीन जैसे कि ऑर्गन मीट है, ब्रेन, किडनी, लिवर, और जिस तरह के फ्रक्टोज की मात्रा से भी प्यूरिन ज़्यादा बनता है। तो जिससे भी ऐसे फूड जिसमें कि प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा बनती हो, वो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ाती है। अब बढ़ी हुई यूरिक एसिड, क्या ये बहुत डेंजरस होता है या ये बहुत बड़ी बीमारी होती है? नहीं, हाइपर यूरिसीमिया ये स्टेट इसे कहा जाता है, जब आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ी हुई दिखती है, तो ये कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं और इसे हम टिपिकली बीमारी नहीं समझते हैं। लेकिन यदि हम इसे सही समय पे ठीक नहीं करते हैं, यूरिक एसिड की बढ़ी हुई लेवल को यदि हम नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, तो जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे हाथों के या पैरों के जॉइंट्स में बनना, स्टोर होना चालू हो जाता है और उस सिचुएशन को गाउट जैसी बीमारी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है और ये स्पेशली पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण, आपने देखा होगा अल्कोहल पीने से भी आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। नॉर्मली इंटरनली भी बॉडी में यूरिक एसिड, प्यूरिन बनता है और जिससे कि यूरिक एसिड भी बनता है। लेकिन याद रखिए, यूरिक एसिड नॉर्मली दो ही तरीके से जो है डिस्टर्ब हो सकता है या ज़्यादा मात्रा में बन सकता है। पहला इंपॉर्टेंट थिंग कि प्यूरिन वाले फूड ज़्यादा खाना, जिसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यदि शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन बनता भी है, तो हमारी जो किडनी होती है ये उस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर फेंकने में सक्षम होती है। जितना हमारे ब्लड में घुलना है उतना यूरिक एसिड घुल जाता है, और जितना नहीं घुल पाता वो यूरिन से शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब बढ़ रहा है यूरिक एसिड, दैट मीन्स एक तो प्यूरिन फूड ज़्यादा खा रहे हैं, सेकेंड आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, आपकी किडनी जो है प्रॉपरली उस चीज़ को बाहर फेंकने में असमर्थ है,
जिसके चलते आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई दिख रही है। नॉर्मली ओबेसिटी में या अल्कोहल में, अल्कोहल लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें, या जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है जैसे PCOD है या प्री डायबिटिक स्टेज या डायबिटीज़ है या CVD यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं, ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी से, तब जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को हम हाइपरयूरेसिमिया यानी कि यूरिक एसिड बढ़ता है। तो याद रखिए, यूरिक एसिड को कम करना है, एक तो प्यूरिन फूड जिसमें कि फ्रुक्टोज से बनता है या न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है, ऐसी चीज़ों का सेवन कम से कम रखें। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। तीसरा, जिस तरह से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई थी, जो टीज बताई थी पाँच, वो आप लेना चालू कर दीजिए और फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ा दीजिए। इन चीज़ों से आप विद इन अ 2 मंथ आप अपना यूरिक एसिड लेवल जो कि थोड़ा बहुत बढ़ा है वो आप कम कर सकते हैं, और अपना गाउट का जो सिचुएशन आने वाला होता है या जिससे कि आप जो दर्द उभरता है पेनफुल, उससे आप खुद को बचा सकते हैं। तो ये थी जानकारी यूरिक एसिड के रिलेटेड। इस तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।